देखिए सिंदूर की कीमत सोमवार से शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। दवाई, जब तक किसी का खून नहीं बहेगा, जब तक किसी की जान नहीं जाएगी, जब तक कोई मर नहीं जाएगा, जब तक मैं शांत नहीं हो सकती। जा, वो लेके आ जो मैंने मांगा था, लेके आ, नहीं तो तेरा यही हाल कर दूंगी। जा यहां से, जा। माता रानी, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? माता रानी, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? पता नहीं अम्मा खाना खाई हो कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मिश्री, हे भगवान, ये कहाँ है? अरे ओ शिजगर, ये दादी ने किया। माता रानी, पूर्णी तो लगता है गुस्से में कतई पगला गई है। नहीं परे दादी, हमने दादी माँ का गुस्सा देखा है, और ये गुस्सा नहीं था, ये कुछ और था। मानो उनके सर पर भूत सवार हो। उन्होंने अपनी दवाई को भी चूर चूर कर दिया। चल जो भी है, पहले तेरी मरहम पट्टी कर दे, पूर्णी का बाद में कुछ सोचते हैं। इतना टाइम नहीं है बड़ी दादी, पहली दादी माँ की हालत भूख की वजह से और खराब होती जा रही है, और वो नॉनवेज के अलावा कुछ खाने को तैयार ही नहीं हो रही। पहले जब पूर्णी का कछु खाने का दिल करता था ना, तो विद्या उके लिए उकी मन पसंद का सोया चाप बनाया करती थी। मम्मी जी के लिए भी सोया चाप दे दीजिए। पसंदीदा सोया चाप। नानी कैसी है? पहले से बेहतर है। नानी से मिलने जाती रहा करो, परिवार हर जरूरत से जरूरी होता है। मम्मी जी ने आज भी खाना नहीं खाया ना? पिछले 15 साल से अपने परिवार के लिए तड़प रही है। इन्हें तो अपना नाम भी नहीं याद। हम सब की इतनी चिंता करती है जैसे कि हमारी माँ ही है। अच्छा एक बात पूछो आपसे, मम्मी जी मिली कहाँ थी आप लोगों को? चलो अब घर जाने का टाइम हो गया, चलो ना। कब आएगी? सनसेट के बाद।
भगवान, इनके चेहरे पे तो काफी चोट लगी है, इनको तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा। आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। एक्सीडेंट में आपका चेहरा बिल्कुल खराब हो गया था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम, आपको अपना पता या अपनी फैमिली में से किसी का नाम या कुछ भी याद है? मुझे मेरा परिवार, मेरा घर, मुझे कुछ कुछ याद नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। शायद आपकी याददाश्त जा चुकी है। बताइए ना, बताइए मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आई हूँ। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिनमें पेशेंट की याददाश्त कुछ दिनों बाद लौट आती है। आप आराम से हमारे एनजीओ में रहिए और जब आपको सब कुछ याद आ जाए तब अपने घर चले जाना। पिछले 20 साल से ये यहाँ है, मैं तो याद भी नहीं कि इनका परिवार कौन है, पर ये हम सबको, यहाँ के डॉक्टर, नर्सिस, सबको अपना परिवार ही मानती है। बस भगवान से यही प्रार्थना है मम्मी जी को जल्दी से अपने परिवार से मिलवा दें। जिसके पास ना अपने हो ना अपनों की यादें, उसे खुद ही अपना सहारा बनना पड़ता है। लेकिन मैं तो खुद ही खुद के लिए अजनबी हूँ, मैं अजनबी के सहारे जिंदगी कैसे गुजार दूँ। ये माता रानी क्या कोई नहीं है जो मुझे मेरे परिवार से मिला सके, मुझे खुद से मिला